ये चर्चा कई बार हुई थी कि अपने व्यक्तित्व को तराशे, जीवन को तराशे, इसका क्या अर्थ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा करने का मन हो, ऐसा करने का मन हो, मतलब एक ऐसा जीवन जो भीतर से महसूस करे कि भीतर शांत हूँ। जैसे एक जलाशय हो, झील हो, एकदम शांत, और एक दूसरा जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो, तरंगायित हो, कैसा चाहेंगे। एक वह जीवन जो उथल पुथल से भरा हो, दूसरा शांत, हर काम में शालीनता, विनम्रता, करुणा, प्रेम, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, ये भाव बने। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा होना है, ये भाव बने। दूसरी बात यह है कि ये मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे अलावा कोई नहीं है जो ये काम करे, कोई सहयोग करेगा ही नहीं। देखिए, वैसे हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन अंतर प्रवेश के लिए, भीतरी परिवर्तन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमें ही करना पड़ेगा। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, एकला चलो रे, अपना दीपक स्वयं बनो, ये जो बातें कही गई हैं, या कर भैया बला अपनी छाण बिरानी आस, ये क्यों कही गई है। मतलब बाहर से संकेत तो मिलेंगे, बाहर से सहयोग तो मिलेंगे, लेकिन करना पड़ेगा खुद को, चलना पड़ेगा स्वयं को। अभी सुन रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जिसके मन में ये जगता है कि मैं सांसारिकता से ऊपर उठूं, कम लोग हैं। फिर उनमें से जो लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन कितने भ्रम, अंधविश्वास, एक प्रकार से जाल में उलझ जाते हैं, जिसे हम लोग वाणी जाल कहते हैं। दिल के अच्छे हैं साधक, ऐसा नहीं कि दिल के अच्छे नहीं है, और उनका भाव भी अच्छा है, लेकिन ऐसा पथ नहीं मिलता है, वो बातें साफ नहीं होती है, जीवन भर उलझे रह जाते हैं और दुखी और अशांत बने रहते हैं, परमात्मा नहीं मिला। एक अच्छा ज्ञान, निर्भ्रांत बोध और सही आसपास में एक माहौल, सही सिचुएशन, सब कुछ बढ़िया। इसलिए ये अपनी ही जिम्मेदारी है, मुझे करना है, ये पूरी तरह से ध्यान रखना है। मैंने एक दिन कहा था कि हम जो कुछ चुनते हैं स्वयं, फैसला करते हैं स्वयं, मतलब कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है, इस प्रकार से जो हमने चुनाव किए, जो निर्णय लिए, इसी से ही हमने अपने वर्तमान जीवन को आकार दिया है। क्या लगता है, जो अभी हम लोगों का जीवन खड़ा है, ये किसका परिणाम है। अतीत में जो हमने करने या फिर न करने का जो चुनाव लिया,
किया, जो फैसला लिया, उसी का परिणाम है, उसी से जीवन का आकार मिला है। लेकिन यदि अभी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, हम ही उसे बदलेंगे। कोई चीज ऐसी है जिसे लेकर के हम खुश नहीं है, ऐसा लगता है कि ये ठीक ठाक नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर क्या करना है? ये हम पर ही निर्भर करता है कि उसे बदलें, उसे बेहतर बनाएं और हम उसके लिए जरूरी कदम उठाएं और ऐसा करें कि मन माफिक हो, मन माफिक हो, चाहे वह परस्पर का संबंध हो, चाहे वह मेरा स्वास्थ्य हो, चाहे मेरी मानसिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, कुछ भी हो, यदि मैं अपने जीवन के किसी हिस्से को पसंद नहीं कर रहा हूं, वहां से खुशियां नहीं मिल रही है, तो मैं पहल करूं, मैं कदम उठाऊं और उस पर काम करूं। ये भरोसा ना करूं कि कोई आएगा या समय ठीक कर देगा। आदमी दो तरीके से बदलता है, एक तो खुद बदलता है और दूसरा उसे समय बदल देता है। खुद बदलता है ना, ये उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो समय बदलता है ना, तो फिर वो आप समझ लीजिए, या तो बहुत समय बीत जाएगा तब आपको समय बदलेगा, या फिर वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो। मैंने क्या कहा, बाहर का परिवेश तो बढ़िया, लेकिन असली चीज है भीतर के परिवेश को ठीक करना। कल मैंने ये भी कहा था कि हमारे भीतर जो कुछ है उसकी तुलना में हमारे पीछे, हमारे आगे का मामला बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इसलिए भीतर को देखना है बार बार, भीतर क्या हो रहा है, अंदर ही झांकना है हम सबको। और मैंने कहा कि तराशना, तराशने का मतलब क्या हुआ, तराशने का मतलब यही हुआ। अब देखिए, तराशने का सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि उसे व्यवस्थित करना, ऐसा नहीं कि कहीं से लाना कुछ नया, कुछ नहीं, जो है उसी को ठीक ठाक करना। जैसे संवारना, बाल को संवारना है, अब कोई बड़े बाल हो और नहा के आए तो बाल बिखरे हो, संवारने का मतलब उसको कंघी से ठीक ठाक कर लेना। ये क्या है, एक प्रकार से जो है उसको एक सही ढंग से उसको निर्मित करना, एक दुरुस्त करना या उसको व्यवस्थित करना। जरा कल्पना करिए, एक बैग हो और आपके कपड़े अभी बाहर सूख रहे हों और उसको ले आए और बैग में पैक करना और ला करके सीधे ऐसी, मतलब उठाएं और बस पकड़ के ऐसे ऐसे करके डाल दीजिए, मच्छरदानी डाल दीजिए, चादर डाल दीजिए, हर चीज को बिना समेटे, बिना उसको व्यवस्थित किए आप डालते जाइए बैग में। कितना सामान आएगा, कितने कपड़े आएंगे, बहुत कम आएंगे, लेकिन उन्हीं कपड़ों को आप एक सिस्टम दें, सुंदर सा उसको फोल्ड कर लें, तह बना लें बढ़िया से और फिर रखते जाएं। ज्यादा कपड़े आएंगे, बढ़िया से रखेंगे और जब भी आप उसे खोलेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, बढ़िया से निकलेगा, आप उसका सही ढंग से उपयोग करेंगे। और जिसे आप बिल्कुल, जैसे जो भी आए ठूसते गए, समझ रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से काम करना और एक अव्यवस्थित तरीके से। जहां आप रहते हैं, जहां हम रहते हैं, बिस्तर हो, कमरा हो, जो हो, कैसे होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। यही तराशने का मतलब है। तराशने का मतलब
पूरे जीवन का स्ट्रक्चर चेंज करना है। अंदर जब बदलेगा तो केवल अंदर तक ही नहीं रहेगा, वो बाहर तक भी जाएगा, बाहर तक भी जाएगा उसका प्रभाव। जीवन क्या है, एक प्रकार से एक तरल पदार्थ है, समझो लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, लिक्विड एक प्रकार से जो अंदर को भी छूता है बाहर को भी छूता है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर अलग बाहर अलग, अरे नहीं, वही है जो आप भीतर वो आप बाहर, वहीं से निकल रहा है जो कुछ है। इसलिए वो जीवन दोनों को स्पर्श करता है। यदि कोई हमारी अलमारी अव्यवस्थित है, बिस्तर अव्यवस्थित है, कमरा अव्यवस्थित है, सामान अव्यवस्थित है, मेरे कपड़े अव्यवस्थित हैं, ये किस बात का संकेत है, ये किस बात का संकेत है? क्या आप भीतर से व्यवस्थित है इसका संकेत है? इसका नहीं है। इसका मतलब किसी ने बहुत सुंदर कहा, एक बार गुरुदेव जी से भी चर्चा हुई थी इस संबंध में, किसी की अलमारी यदि अव्यवस्थित है या अव्यवस्थित चित्त का लक्षण है, बड़ा अटपटा सा तो है, लेकिन आया कहां से? किसी का घर, किसी का किचन, किसी का बाथरूम, क्यों ऐसा क्यों है? इसका मतलब यह हुआ कि आप सब जगह ठीक करते हैं। किसी का संबंध आप उसको हर बार क्यों, वो प्रभाव आएगा, वो प्रभाव आएगा। सुबह उठें और सुबह उठ करके अपने साथी के साथ में दो चार बात हो जाए, अब आप ध्यान में आके ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव आएगा, उसका प्रभाव आएगा। लेकिन आप सुबह उठे अपना काम मौन शांत और प्रेम से करते रहे, अब क्या होगा? सुबह से शाम सबके प्रति अच्छा भाव, अब क्या होगा? यहां आएंगे तो उसका भी प्रभाव रहेगा, संघर्ष का भी प्रभाव रहेगा, तो फिर शांति का भी प्रभाव रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि तराशने का मतलब यह नहीं है कि कोई नई चीज लानी है, जो है उसे हमें ठीक करना है, मतलब सही करना है उसी को। जैसे एक मूर्तिकार किसी पत्थर को क्या करता है, वो तराशता है। इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, बहुत पहले की बात है, माइकल एंजिलो नाम सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाम है, कोई सामान्य नाम नहीं है ये माइकल एंजिलो। तो उन्हें डेविड की प्रतिमा बनानी थी, और किसने कहा था, मेडिसिस एक व्यक्ति था माइकल एंजिलो का, उन्होंने कहा कि इस मुख्य चौराहे पर डेविड की एक प्रतिमा बनानी है, उनको सौंपा गया। और जानते हैं मेडिसिस जो है उस समय इटली का बहुत संपन्न और शक्तिशाली परिवार माना जाता था, और उसके द्वारा उसकी ओर से प्रतिमा का निर्माण करना एक प्रकार से एक सम्मान की भी बात थी, किसी को जिम्मेदारी सौंपे, और दूसरी बात है उसको इनकार करना भी सहज नहीं था, कोई इनकार भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, कह दिया कि भाई ये प्रतिमा को निर्मित करनी है, डेविड की प्रतिमा बनानी है। तो उन्होंने जानते क्या हुआ, वो 2 साल तक तो उस पत्थर को ही ढूंढता रहा संगमरमर का, कि वो कहाँ मिलेगा, 2 साल तक ढूंढता ही रहा। फिर एक दिन एक सड़क के किनारे धूल धूसरी एक लकड़ियों के फ्रेम में एक बड़ा सा संगमरमर का पत्थर दिखा उनको, गया और नज़दीक गया, अध्ययन किया। अच्छा, उस सड़क से वो 20 बार गुजरे थे पहले, लेकिन ध्यान ही नहीं दिए थे। और अब की वो तो क्या होता है ऐसे लोगों के, जब रास्ता भी चलते दिमाग चलता रहता है, ऐसा है कि दिमाग चलता रहता है। तो उसके दिमाग में रहा और उसने उस पत्थर को देखा
और फिर क्या किया, मजदूरों को लेकर के उसको लग गया कि, और उसी समय उन्होंने क्या लिखा, उसी समय वो उस पत्थर में डेविड की मूर्ति को देख लिया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उसी समय उस पत्थर में उन्होंने डेविड की प्रतिमा की कल्पना कर ली पूरी तरह से कि ये है, ऐसा है। और फिर मजदूरों को लेकर के उस पत्थर को खिंचवा करके किसी भांति ला करके अपने स्टूडियो में ला करके रख लिया। और जानते फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कैसे मेहनत करते हैं उसको बता रहा हूं, किसी के तराशने में उन्होंने क्या किया, फिर उसमें से दो साल तक उन्होंने उसको आकार दिया, प्रतिमा का आकार दिया, जो मूर्ति बनानी थी उनको उसका उन्होंने आकार दिया 2 साल तक के। फिर छीनी और हथौड़ी को बाजू में रख दिया और फिर क्या के जानते हैं, अब वो केवल उसमें घिसने लगे, पॉलिश करने लगे और कुछ उसको केवल रगड़ने लगे, उसमें भी 2 साल लगा रहे। आप समझ रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, 2 साल तो पत्थरों का चुनाव ही करता रहा, 2 साल में केवल आकार दिया और 2 साल और लग गए उसको केवल उसको घिसने में और पॉलिश करने में। इतनी मेहनत उन्होंने की उस भारी भरकम जो टुकड़ा था उसको, और वो किसी पहाड़ से निकाला गया था, रख दिया गया था, उपयोग नहीं किया गया था उसको। फिर क्या हुआ, जब ये काम चल रहा था ना, तो फिर ये पूरी इटली में ही इसकी लोगों प्रसिद्धि हो गई थी, एक बड़ा काम कर रहे हैं माइकल एंजिलो, और किसके लिए, मेडिसिस के लिए, जो एक बहुत धनी आदमी है उनके द्वारा काम करवा जाए, पूरी इटली में इसकी प्रसिद्धि हो गई थी। और जब उनको सार्वजनिक करना हुआ उस प्रतिमा को, जब उनका अनावरण का दिन आया तो हजारों लोग उपस्थित हुए थे, जान रहे, तो हजारों लोग वहां पर उपस्थित हुए थे अनावरण के दिन में। फिर जानते क्या हुआ, और जैसे उसका अनावरण किया गया तो लोग देखते ही रह गए, यह बेहद खूबसूरत थी, लोग खुशी से लिखा है चीखने चिल्लाने लगे और कई महिलाएं तो बेहोश हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो उन्होंने, और वो आदमी लिखा है जो वहां जाकर के खड़े होकर देखा है, उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर के, यहां तक कि उनका जो एक बहुत बड़ा जो म्यूजियम था वहां जाकर के माइकल एंजेलो ने डेवलप किया था, वहां जाके खड़े होकर के देखना एक गर्व की बात होती है। लोग फोटो खिंचवाते हैं, उसको जीवन भर याद रखते हैं उस स्थिति को। तो वो जो अनावरण हुआ तो लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और कई महिलाएं जो थी वो तो बेहोश हो गई, सब हतप्रभ। और उसी समय माइकल एंजेलो को उस युग का महानतम मूर्तिकार मान लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बाद में उस माइकल एंजेलो से पूछा गया उन्होंने कैसे इतनी महान कलाकृति को साकार किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को बनाने से पहले ही अपनी कल्पना में पूरी तरह से देख लिया था। क्या हुआ, उसके बाद तो उन्होंने किया यह कि डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसे संगमरमर के उस टुकड़े से हटा दिया। महत्वपूर्ण बात यह मैं जो कहना चाहता हूं, पहले ही वो कल्पना कर लिया था और उसके बाद उस संगमरमर के टुकड़े को जो डेविड को छुपा रहा था, कहना चाहिए, या जो डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसको उसने निकाल दिया। जानते हैं फिर क्या हुआ, वो प्रकट, मैंने एक दिन कहा था ना, उसका डिस्कवर करना होता है, उसको आविष्कृत करना होता है। बस ऐसे ही हम सबके भीतर में वो प्रतिमा मौजूद है, वो है हम सबके भीतर में, वो शांति, वो सुख, वो प्रेम, वो करुणा, वो जो आप चाहते हैं, जो आप मुक्ति भी चाहते हैं ना, वो कहीं अलग नहीं। हम सभी इसके बारे में तो जानते ही हैं। तो जो डेविड के संगमरमर के आजाद होने के बाद ही माइकल एंजेलो को उसे तराश कर, उसके निखार कर महान कलाकृति बनाने में
दो वर्ष का व्रत और लग गया। ऐसे ही इसी तरह से हम सबको भी अपने आप पर काम करना होगा। जैसे उन्होंने उस संगमरमर के पत्थर पर काम किया, ऐसे ही साल, महीना, साल, एक साल, दो साल, कई साल का समय लग जाएगा, लेकिन कब? जब हम इस पर काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो फिर जो हमारे भीतर प्रतिभा छिपी है, काबिलियत है, उसको विकसित करने के लिए दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगाने होंगे, ये समय लगाने होंगे। आप भी माइकल एंजेलो को ने जो उस कहना चाहिए उस बेजान पत्थर में एक प्रकार से जान फूंक दी, जान तो नहीं फूंकी, उसी प्रकार से हम सब भी उसी संगमरमर की तरह हमारे भीतर भी अनूठापन है, अनूठा कला कृति है। अब क्या करना है? उसे तराशना है, मतलब जो भी गलत अंश है उसे निकालना है। आप कभी कभी देखे होंगे किसी पार्क में जा करके, जहाँ पर एक हाथी का आकार, ऊंट का आकार, आदमी का आकार, ऐसे कुछ झाड़ियों में लोहे का ऐसा कुछ आकार दे करके वहाँ लगा देते हैं और उस पर एक पौधा बेलीदार या पत्तियों का जो पौधा होता है उसको लगा देते हैं। फिर क्या करता है माली जा करके? उसकी छटाई करता है। अब जानते हैं फिर क्या होता है? जो उस आकार को देने में सहयोगी है उसकी रक्षा करता है, और जो उस आकार को देने में असहयोगी है, जो उसको ढकता है, उसको काट के निकाल देता है। ऐसे ही अपने जीवन में जो सुंदरता लाने वाला है, जो अच्छी चीजें हैं उसकी रक्षा करनी है, और जो गलत अंश हैं उसको काट करके निकाल देना है। यही है जीवन को तराशना, यही है। और हमको कैसे ये कल्पना करनी है, कैसे इसकी पहले कल्पना करनी है कि ऐसा जीवन चाहिए, बस अब उसके बाद में काम करना होगा, इसके बाद काम कर, ऐसा जीवन चाहिए। अब उसके बाद देख लेना है क्या ऐसा जीवन है, तो उसमें तरह से गलत है निकालते गए, अच्छा है उसको बचाते गए, बस यही तो करना है, हम सबको यही करना है। और इसके लिए समय लगाना है, अपनी पूरी एनर्जी को उधर ले जाना है, तो निश्चित रूप से हम जैसा जीवन चाहते हैं वही जीवन हम पा जाएंगे।